तो हेलो यार, कैसे हो आप सब लोग? यार काफी दिनों से आप सबकी एक चैप्टर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, जो कि है द प्रपोजल। और आपकी डिमांड हो और मैं उस पर वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, मैटर ये है कि द प्रपोजल क्लास 10th इंग्लिश का काफी बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर है। उस चैप्टर में ऑलमोस्ट सबको दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक प्ले की फॉर्म में दिया हुआ है। पर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज आप सबको एनिमेशन की हेल्प से ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या है कि चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें एक 35 ईयर्स ओल्ड लड़का है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक अनमैरिड है। उसके एक पड़ोसी हैं जिनकी एक डॉटर भी है, जिसके लिए वो मैरिज प्रपोजल लेकर जाता है। तो आगे क्या क्या होगा, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एज ऑलवेज, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारी बूस्टर PDF, जिसमें होगी शॉर्ट समरी, सारे इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQs जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलो, एनिमेशन के साथ चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब हमारी कहानी शुरू होती है चुबकोव से। वैसे चुबकोव का पूरा नाम स्टीपन स्टीपनोविच चुबकोव है। तो एक दिन चुबकोव अपने घर पे ही था, तभी उसके डोर पर कोई आता है और फिर वो बाहर देखता है। अरे इवान वेसलविच, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब देखो, यही है हमारी स्टोरी का सेकंड कैरेक्टर, लोमोव। इसका पूरा नाम इवान वेसलविच लोमोव है और ये चुपकोव की डॉटर का हाथ मांगने आया है। ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज जैसा है, माय डार्लिंग। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ स्टीपन चुपकोव, आप बताइए कैसा चल रहा है आजकल? सब बढ़िया ही चल रहा है माय एंजल, तुम्हारी दुआओं का असर है। अरे बैठो ना तुम। और हाँ इवान बेटा, अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, जल्दी जल्दी आते रहा करो माय सन। और वैसे आज तुम इस फॉर्मल गेटअप में कैसे? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स, कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस आप ही से मिलने आया था सर। अच्छा, तो फिर तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है? क्या न्यू ईयर ईव में जाने का इरादा है? अरे वो स्टीपन स्टीपनोविच, मैटर ये है कि मैं एक मुश्किल में हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं पहले भी 2 बार आपसे बात करने की कोशिश कर चुका हूँ। देखिए, मुझे जरा माफ कीजिएगा, मैं जरा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे पानी पी लेना चाहिए ऑनर्ड। जरूर ये पैसे उधार मांगने आया होगा, इसे तो आज मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या बात है इवान, मुझे बताओ। वो क्या है कि ऑनर्ड स्टीपनिच, ओ नो नो, मेरा मतलब है कि स्टीपन ऑनरिच। अरे सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बातें क्यों घुमा रहे हो इवान, सीधे सीधे बात करो। देखिए स्टीपनोविच, मैं आपकी बेटी नताल्या से शादी करना चाहता हूं। मैं आज आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। क्या क्या कहा तुमने, जरा दोबारा तो कहना, मुझे समझ में नहीं आया। मैं शादी के लिए आपकी लड़की नताल्या का हाथ मांगने आया हूं। ओ माय डियर फेलो, मैं बहुत खुश हूँ माय सन, सच में मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी दिल से भी यही इच्छा थी और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। अरे मैं खुशी से पागलों जैसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं अभी जाकर नतालिया को बुला कर लाता हूँ। रुकिए ऑनर्ड, क्या आपको लगता है कि नताल्या मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? वाय, वो ऐसा क्यों नहीं करेगी, वो तुमसे प्यार करती है, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। आय हाय, आज कितनी ठंड है, मैं अभी भी कांप रहा हूं, जैसे मुझे कोई एग्जाम देना हो। पर मैं अब मन बना चुका हूं। अब अगर मैं ये सोचूं कि मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए और एक आइडियल वाइफ चाहिए, तो शायद मेरी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। और वैसे भी नतालिया एक अच्छी लड़की है, वो एक्सीलेंट हाउसकीपर भी है,
और दिखने में भी इतनी बुरी नहीं है, साथ ही साथ एजुकेटेड भी है। अब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए मुझे। अब अगर इस बार मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा मेरा? अब देखो, हमारा लोमोव अपनी शादी के लिए काफी ज्यादा वरीड है। उसको डर है कि कहीं वो अनमैरिड ही ना रह जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर है कि उसकी एज भी काफी हो गई है। वो अब 35 का हो चुका है और ऊपर से वो हार्ट की पैल्पिटेशंस वाली दिक्कत से भी सफर कर रहा है। वो बताता है कि उसके दिल की धड़कनें कभी भी अचानक से बढ़ जाती हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसके होंठ तक कांपने लग जाते हैं और उसकी राइट आईब्रो ट्विच करने लगती है, मतलब फड़कने लगती है। और इन सबसे ज्यादा बेकार हालत तो तब हो जाती है जब वो सोने के लिए जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे लेफ्ट साइड से कोई खींच रहा हो और फिर उसके पूरे शोल्डर्स और हेड जंप करने लगते हैं और वो फिर पागलों की तरह उठ जाता है। पर जब उसे दोबारा से नींद आती है तो उसे फिर से वही खिंचाव फील होने लगता है और ये सब उसके साथ दिन में कम से कम 20 times होता है। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने ही वहां पर हमारी स्टोरी की थर्ड मेन कैरेक्टर नतालिया स्टेपनोवा आ जाती है, जिसको सब नताशा भी बोलते हैं। ओ इवान, तुम हो यहाँ? पर पापा ने तो कहा था कि कोई मर्चेंट सामान के सिलसिले में आया है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो इवान वेसेलविच? अरे आप बताओ, आप कैसी हो नतालिया? उप्स, सॉरी इवान, मैं अपनी एप्रिन पहनकर ही आ गई, प्लीज इसे इग्नोर कर देना। एक्चुअली मैं किचन में मटर छील रही थी। तुम तो काफी टाइम बाद मिले हो, और तुम खड़े क्यों हो? प्लीज सिट। अच्छा ये बताओ, लंच करोगे? नहीं, मैं लंच करके आया हूँ, बट थैंक यू। तो सिगरेट ही पी लो, ये लो मैच बॉक्स। नहीं नहीं, बट थैंक यू। आज मौसम कितना अच्छा है ना, कल तो काफी बारिश थी और वर्कर्स ने भी कुछ ढंग से काम नहीं किया। अच्छा रुको जरा, पहले ये बताओ तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है? तुम कहीं किसी पार्टी में तो नहीं जा रहे ना? वैसे काफी अच्छे लग रहे हो तुम इस ड्रेस में। नतालिया, जैसे कि तुम मुझे देख ही रही हो, मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ। नतालिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब तुम इस बात को सुन के सरप्राइज भी हो सकती हो। अरे ऐसी क्या बात है इवान? अब देखो नतालिया, तुम तो जानती ही हो हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी जानता हूँ। मुझे अपनी स्वर्गीय आंटी और अंकल से जमीन मिली है और वो भी तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और वैसे भी लोमोव्स और चुपकोव्स फैमिली में भी शुरू से ही दोस्ती रही है। और तो और हमारी जमीनें भी तुम्हारी जमीन से आपस में मिलती हैं। मेरा मतलब हमारे ऑक्सन मीडोज आपके बिचवुड से टच होते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या कह दिया इवान ने? अब यहीं से, बस यहीं से हमारे विल बी कपल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक्सक्यूज मी इवान, तुमने कहा मेरे ऑक्सन मीडोज, क्या वो तुम्हारे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरे ही हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और तुम उनको अपना कह भी कैसे सकते हो? हाँ मैं कैसे कह सकता हूँ? वाह भाई वाह, मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और बंट मार्श के बीच में आते हैं। हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ और वो ऑक्सन मीडोज सिर्फ हमारे हैं। अच्छा इवान, ये बताओ कि वो जमीन तुम्हारी हुई कब से? रुको रुको रुको, अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही टॉप नॉच कंटेंट के लिए एडीबी को सब्सक्राइब कर लो। अब लोमोव कहता है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि उस जमीन पर काफी पहले डिस्प्यूट चल रहा था, पर नतालिया इसमें आर्ग्यू करने वाली कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली मेरी आंट की ग्रांड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रांड फादर के पीजेंट्स को वो ऑक्सन मीडोज एकदम फ्री में दिए थे और बदले में मेरी आंट की ग्रांड मदर सिर्फ उनसे ब्रिक्स बनवा कर लिया करती थी। बाद में 40 साल तक वो पीजेंट्स यानी वो किसान वहां पर खेती करते रहे और तुम लोगों को उस जमीन की आदत पड़ गई और तुमने यही प्रिटेंड कर लिया कि वो जमीन तुम्हारी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर और उनके फादर ने बंट मार्श से लेकर बर्चवुड्स तक की पूरी जमीन मीजर कर रखी थी।
और ऑक्सन मीडोज उन्हीं के बीच में आते हैं, तो वो भी तो हमारे ही हुए ना, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ नतालिया। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया मजाक है। मतलब एक जमीन हमारे पास 300 सालों से है और कोई भी आता है और कहने लगता है कि वो जमीन उसकी है, मेरे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वैसे भी ऑक्सन मीडोज हमारे लिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, वो ओनली 5 डेसिनेंट्स के हैं और सिर्फ 300 रूबल्स के ही तो हैं, इसलिए इतनी सी वैल्यू मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखती। बट बात है फेयरनेस की, ईमानदारी की, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। अब देखो रूबल्स वहाँ की करेंसी है। अब काफी देर तक दोनों में यही बहस चलती रहती है कि वो लैंड मेरी है और मेरी है, पर फिर नतालिया बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम चाहे इस बात को 2 दिन तक लगातार बोलते रहो या ऐसे ही 15 जैकेट्स और पहन कर आ जाओ, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जमीन हमारी थी और अब भी वो हमारी ही रहेगी। नतालिया स्टेपनोवा, मुझे उस जमीन की कोई जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी मैं ट्रुथ और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, कहो तो वो जमीन तुम्हें गिफ्ट ही कर दूँ। वो जमीन मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो हमारी है। तुम्हारा बिहेवियर काफी बदल गया है इवान, पहले मुझे लगता था कि तुम हमारे एक अच्छे नेबर और अच्छे फ्रेंड हो, और अब तुम हमारी उस जमीन पर अपना हक जमा रहे हो, तुम काफी रूड हो चुके हो। ओ रियली, मतलब आज मैं जमीन हड़पने वाला हो गया, आई एम अ लैंड क्रीपर। ओ मैडम, आज तक किसी की जमीन नहीं हड़पी मैंने। ऑक्सन मीडोज आर माइन, वो मेरे हैं। चिल्लाना बंद करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, वरना बता देता तुझको। अब रूम में एंट्री होती है चुबकोव की, और वो ये सब देखकर बोलता है, अरे क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, इस जेंटलमैन को बताओ कि वो ऑक्सन मीडोज किसके हैं, इसके या हमारे? डार्लिंग, वो जमीन हमारी है। प्लीज स्टीपन स्टेपनोविच, वो जमीन आपकी कैसे हुई? मेरी आंट की ग्रांड मदर ने वो आपके ग्रांड फादर के किसानों को दी थी, और बदले में वो किसान हमारे लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। उन पीजेंट्स ने वो जमीन 40 साल तक यूज की थी और उन्हें उस जमीन की आदत पड़ गई। एक्सक्यूज मी, तुम भूल रहे हो, किसानों ने तुम्हारी ग्रांड मदर को कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उस जमीन पर तो पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा था, और सब लोग अब जानते हैं कि वो जमीन हमारी है। तुमने क्या वहाँ का मैप नहीं देखा? मैं प्रूव कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते माई डार्लिंग, और तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ, जरा सोचो तो सही, तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? नहीं, आप क्या चाहते हो? आप मेरी जमीन को अपना बना लो और मैं आपसे प्यार और शांति से बात करता रहूं। अच्छे नेबर्स ऐसे नहीं होते हैं। आप जमीन हड़पने वाले हो। क्या क्या कहा तुमने? पापा, वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, वो हम इनको कभी नहीं देंगे। आज ही आप मूवर्स यानी घास काटने वाली मशीन मीडोज पर भेज दो, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है। अच्छा, मैं इस बात को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। कोर्ट में लेके जाओगे? ले जाओ, कोर्ट में भी ले जाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम एक छोटे मोटे वकील हो, तुम्हारे घर में सबके सब पागल भरे पड़े हैं, तुम क्या कर लोगे? हाँ, सब लोग पागल हैं। अरे रे, ये क्या कह दिया चुपकोव ने? मतलब पहले से ही इतना रायता फैला हुआ है और इनका पेट नहीं भर रहा इतने में। अब एक और नया ड्रामा शुरू। अब लोमोव कहता है, ए, मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ स्टीफन। लोमोव फैमिली पर आज तक कोई चोरी या बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा। अच्छा, अभी बताओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो एक नंबर के पियक्कड़ आदमी थे, और तुम्हारी यंगर आंटी,
नस्तासिया मिहाइलोवना, एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी वो। अच्छा, और आपकी मदर तो हम्प बैक्ड थी, उनके कमर पे तो कुबर निकला हुआ था। मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है, मेरा सर। हेल्प, वाटर। तुम्हारे फादर एक नंबर के गैम्बलर यानी जुआरी थे। और हाँ, कोई इंसान तुम्हारी आंटी जितना बैक बाइटर यानी चुगलखोर हो ही नहीं सकता। अब इतना सब होते देख लोमोव की हालत बिगड़ने लगती है और वो चिल्लाने लग जाता है। आह, माय हार्ट, मुझे तारे दिख रहे हैं, मुझे तारे दिख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, और यहाँ दोबारा कदम भी मत रखना। राक्षस उठा ले इसको, इडियट कहीं का, पागल कहीं का। व्हाट ए रैस्कल। पापा, अब तो पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले तो हमारी जमीन हड़प लेता है और हमारे ही घर पर आकर हमसे झगड़ा करता है। हाँ, वो एक विलेन की तरह है, अंधा कहीं का। मेरी बेटी के लिए प्रपोजल लेकर आया था, मेरी बेटी से शादी करेगा, आया बड़ा। आपने क्या कहा पापा, वो मुझसे शादी करने के लिए आया था? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? अरे, वो इवनिंग ड्रेस पहनकर इसीलिए तो आया था, क्योंकि वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था। ओह नो पापा, वो मुझसे शादी करने के लिए आया था। ओह नो, ये आपने क्या किया? उसे अभी बुलाओ, अभी के अभी। अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आने लगे हैं, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कोई गोली मार दे। ये सब तो मैंने आखिर तुम्हारे लिए ही किया था। आई एम डाइंग पापा, आई एम डाइंग। आप उसे अभी बुला कर लाओ। वेट, मैं अभी बुला के लाता हूँ उसे। 2 minutes later. हाँ, वो अब आ रहा है, अब तुम ही उससे बात करना। हे भगवान, ये बेटी का बाप होना भी कितना बड़ा बोझ है। हमने उसको कितनी गालियाँ दी, उसे उल्टा सीधा कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो आ रहा है और मैं अब यहाँ से जाता हूँ, अब तुम ही उसे हैंडल करना। नतालिया, मेरा हार्ट अजीब तरीके से धड़क रहा है। बीपी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा पैर भी सुन पड़ रहा है। मेरी बॉडी में एक अजीब सा खिंचाव हो रहा है। नतालिया, हमें माफ कर दो इवान, हम गुस्से में थे। मुझे याद आ गया है, वो ऑक्सन मीडोस तुम्हारे ही हैं। नतालिया, मुझे उस जमीन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बट मैं अपने प्रिंसिपल पर बात कर रहा हूँ। हाँ इवान, योर प्रिंसिपल मैटर्स। अच्छा, ये सब छोड़ो और कोई बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम शूटिंग करने कब जा रहे हो? हाँ, मैं फसल की हार्वेस्टिंग के बाद ब्लैक कॉक का शिकार करने जाऊंगा। नतालिया, क्या तुम्हें पता है, मेरा डॉगी गैस लेम हो गया है, मतलब वो बहुत ज्यादा लंगड़ा हो गया है। क्या? ये तो बड़े दुख की बात है, मगर कैसे हुआ? पता नहीं यार, शायद किसी डॉग ने उसे बाइट किया है, या शायद उसका पैर ही मुड़ गया है। तुमको पता है, मैंने उस पर बहुत खर्चा किया था, और मायरोनोव से मैंने उसे 125 रूबल्स में खरीदा था। अरे, ये तो बहुत ही महंगा है। और देखो, मैंने अपना डॉग स्क्वीजर सिर्फ 85 रूबल्स में खरीदा था, और वो तुम्हारे गैस से कहीं ज्यादा बेटर है। अरे यार, ये क्या कह दिया नतालिया ने, अब फिर से इन दोनों के बीच तीसरी बार लड़ाई शुरू होने वाली है। तो अब लोमोव कहता है, रियली नतालिया, तुम एक बात भूल रही हो, वो एक ओवरशॉट डॉग है, मतलब उसका ऊपर वाला जॉ नीचे वाले जॉ से बड़ा है, और इसलिए वो एक अच्छा हंटर भी नहीं है। क्या कहा? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि स्क्वीजर एक ओवरशॉट डॉग है, जबकि वो एक अच्छी ब्रीड का डॉग है। तुम्हें पता है, तुम्हारे स्क्वीजर जैसे डॉग्स तो झाड़ियों में पड़े रहते हैं, और उसकी कीमत तो 25 रूबल्स तक नहीं है। मुझे क्या लगता है ना, कि तुम्हारे अंदर एक बुरी आत्मा आ गई है इवान। पहले तुम कह रहे थे कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं, और अब कह रहे हो कि स्क्वीजर गैस से अच्छा डॉग है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हारे कुत्ते को तो मैं गोली मार दूं।
मेरे डॉगी से कंपेयर कर रहे हो उसको? एक्सक्यूज मी, अब ज्यादा मत चिल्लाओ तुम। माय हार्ट, चिल्लाओ मत तुम। 100 times बेकार है तुम्हारा स्पीचर। अच्छा, तुम्हारे गेस्ट को तो फांसी पर लटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पहले से ही अधमरा है। चुप हो जाओ, just shut up। तभी चुप को फिर से झगड़े की आवाज सुनते हुए रूम में आता है। अरे अब क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? पापा सच सच बताओ कि हमारा स्क्वीजर बेटर है या इसका डॉगी गैस? सर आप एक बात बताइए, स्क्वीजर ओवरशॉट डॉग है या नहीं? स्क्वीजर ओवरशॉट हो या ना हो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट है। और वैसे भी तुम्हारे गैस में कुछ ही क्वालिटीज हैं, जैसे कि वो पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसकी रिब्स भी अच्छी है। बाकी उसमें 2 बड़े डिफेक्ट्स भी हैं, वो काफी बूढ़ा हो चुका है और उसका मजल यानी कि उसका मुंह काफी छोटा है। एक्सक्यूज मी सर, आप फैक्ट्स पर बात करिए। याद है आपको मैरुंस्की की दौड़ में मेरा गैस बहुत अच्छा दौड़ा था और वहीं आपका स्क्वीजर सबसे पीछे रह गया था। अरे उसको चाबुक लग गई थी। अच्छा हुआ जो उसे चाबुक लगा। और वैसे भी सबके कुत्ते तो भेड़ियों को भी दौड़ा देते हैं, और आपका कुत्ता तो भेड़ों से भी डर जाता है। ये सच नहीं है, मैं अपना टेंपर खो रहा हूँ इवान, हमारे स्क्वीजर से सब जलने लगे हैं। माय हार्ट, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। माय हार्ट माय फुट, कहाँ के शिकारी हो तुम इवान, तुम्हें तो किचन में जाकर काम करना चाहिए। जाओ जाकर बीटल्स पकड़ो, लोमड़ी का शिकार नहीं होगा तुमसे। कहाँ का हंटर है ये, तुम तो बस अपने घर में बैठे रहो, वो भी अपनी बीपी की बीमारी को लेकर। आह मेरा पैर, मेरा सर, आह मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अरे पापा ये इवान को क्या हो गया, कहीं ये मर तो नहीं गया? पानी पानी, ये लो पियो पानी पियो। अरे ये तो पानी भी नहीं पी रहा, लगता है ये मर गया है। ओ गॉड, मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ, मुझे गोली मार दो। अरे मुझे कोई फांसी पर लटका दो, कोई मेरा गला काट दो। गिव मी पिस्टल। मुझे तारे दिख रहे हैं। अब जैसे ही चुपकोव को दिखता है कि लोमोव नहीं मरा, तो वो सोचता है कि जल्दी से इनकी शादी पक्की कर देता हूँ, वरना बाद में ये फिर से लड़ने लग जाएंगे। तो वो मौके पे चौका मार देता है और कहता है, जल्दी उठो जल्दी, वो तुमसे शादी को तैयार है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बच्चों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब जल्दी से उसे किस कर लो। किसे किस करूं? और फिर किस हो जाती है। चलो अब आगे बढ़ो, किसके नाम पे ज्यादा एक्साइटेड मत हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे कंधों पे से बोझ उतर गया। पर मैं अभी भी यही मानती हूँ कि गैस स्क्वीजर से बेकार कुत्ता है। गैस ज्यादा बढ़िया कुत्ता है। बेकार कुत्ता है। गैस ज्यादा बढ़िया कुत्ता है। बेकार बेकार बेकार। वाह 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 वाह, क्या तरीका है न्यू फैमिली स्टार्ट करने का। हैव सम शैंपेन। नहीं, शैंपेन। और बस इसी तरह हमारा ये प्ले हो जाता है खत्म। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और एडीबी को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे मुझे मोटिवेशन की फुल डोज मिल जाएगी और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूंगा।